हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम वाइल्ड हॉर्न कंपनी के वॉलेट की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि है जेन्युइन लेदर। इसका एक डिटेल में व्यू लेने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो फटाफट मैं वॉलेट की अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। ये हमें ऑफ़र में मिला है 299 रुपीज़ में, बट इसका प्राइस चलता है 399 रुपीज़। इसके बहुत सारे वॉलेट्स आते हैं और ऑलमोस्ट सबकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसके करंट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ये देखो, ये रहा बॉक्स, आप एक बार बॉक्स को देख लो और बॉक्स के ऊपर की डिटेल भी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। 1499 इसका MRP है, बट ये 400-500 के रेंज में ही चलता रहता है और ये RFID प्रोटेक्टेड है, जेन्युइन लेदर का है। चलो फटाफट मैं बॉक्स को खोल देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसा आया है हमारा वॉलेट। डब्बा खोलते ये वाला कार्ड मिल जाएगा जिस पे 180 डेज़ की वारंटी वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन दी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो सारी की सारी। इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा था, 299 रुपीज़, इसके लिए हमने इसे ऑर्डर किया। वैसे इसमें बहुत सारे हाई रेंज वाले भी आते हैं, जैसे 500-600 वाले भी। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। ये देखो, ये खुल गया, नॉर्मल सी थैली में आया है और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। चलो फटाफट इसकी थैली को निकाल देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ वॉलेट कैसा है। वैसे पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सिंपल है। ये देखो, ये रहा हमारा वॉलेट, फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ऐसा है, एकदम रफ फिनिशिंग वाला लग रहा है, बट स्टिचिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका शेड ही ऐसा है, वैसे फिनिशिंग स्टिचिंग तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। अब अंदर से देख लेते हैं, वो देखो ऊपर जहाँ पे कॉइन रखने का पॉकेट दिया है, वही देखो कैसी फिनिशिंग आई है वहाँ पे। बट ठीक है, वो कलर ही ऐसा दिया गया है तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाकी देख लेते हैं। देखो, इसका कॉइन का पॉकेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वाइड दिया गया है, कितने सारे कॉइन आ सकते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉइन वाला पॉकेट होना, वरना गाइस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार पैसे रखने में, एंड स्पेशली छोटे छोटे चिल्लर। देखो इसके बटन की क्वालिटी भी कितनी अच्छी दी गई है। ऑल राइट गाइज, ये एक छोटा सा वॉलेट है, बट फिर भी इसमें ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए 4 स्लॉट दिए गए हैं, और इसी के पीछे ना आपको अंदर एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है जहाँ पे आप पास वगैरह आपका जो भी छोटा सामान है आप वहाँ रख सकते हो, और जो पॉकेट वाला चेन है वहाँ पे भी एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है, और इसमें कैश कंपार्टमेंट 2 दिए गए हैं जिसके अंदर आपको फैब्रिक मिल जाता है लेदर के ऊपर, तो डबल कोटिंग हो जाती है, और 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं तो अच्छा खासा कैश भी आ सकता है। बट ये नॉर्मल वॉलेट से थोड़ा सा छोटा है, बेसिक सा है, बट ये सिर्फ 299-399 के रेंज में आता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा थोड़ा हायर रेंज में जाना। वैसे इसी रेंज में आपको बहुत सारे और वॉलेट के मॉडल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे नए वॉलेट का छोटा सा रिव्यू। इसमें ना और भी बहुत सारी हैवी क्वालिटी भी आती है, मैं सबकी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, जो आपको पसंद आए वो ले लेना। इसमें ना एक ही लिंक में बहुत सारे ऑप्शंस वेरिएशंस आते हैं, तो आप बराबर से चेक करके देख कर लेना। आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो, मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोज है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलो देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू गाइज।